हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 6 की। पहले हमने 5 पार्ट बनाया है जो कि टोटली रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसके ऊपर 5 पॉइंट्स 5 पार्ट्स में वीडियो बनाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब बात करेंगे कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या असर है। सो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। सो लेट्स डायरेक्टली move to the part 2 of this chapter or point number 2. Here it is. आराम से पढ़ते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, जो हेडिंग है पहले इस हेडिंग का मतलब समझते हैं। आखिरकार रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका क्या मतलब है, मतलब रोल का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या रोल प्ले करते हैं देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में क्या इनका रोल रहता है, क्या इनका इम्पैक्ट रहता है, ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को ग्रो करने में या फिर डीग्रोथ करने में। तो पहला पॉइंट है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Efficient and sound financial market of a country plays an important role in the nation's economic development. मतलब अच्छा खासा sound financial system, मतलब अच्छा और efficient, मतलब efficiently जो काम करता हो। The economic development of a country depends upon the mobilization of savings and flow of these savings into the corporate scanning. मतलब savings जो आपके घर में रखी हुई है उसको mobilize करना, मतलब आपने bank में दिया, bank mobilize करके लोगों तक बांटेगा, सेविंग्स कॉरपोरेट्स को देगा या फिर जो लोग को जरूरत होगी वो लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। फिर जैसे कोई कंपनी है रोड बनाती या फिर कोई काम करती, तो उसके पास लोन कहाँ से मिलेगा, बैंक से लोन लेगा, बैंक में पैसा किसका गया, हमारा गया, तो उस फंड्स को मोबिलाइज किया गया और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो काम हो रहा है। द कॉरपोरेट रिक्वायर्स फंड्स बाय इशूइंग सिक्योरिटीज इन द फाइनेंशियल मार्केट बाय इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर इन सेविंग्स और बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोला है कि बहुत सारे तरीके हैं कॉर्पोरेट पैसा निकालते हैं, जैसे कि आप पब्लिक इशू आ जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से वो लोग पैसा फंडिंग लेते हैं और बहुत बड़े बोरो भी करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से। द सेविंग ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट शुड बी मोबिलाइज बाय द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू फाइनेंशियल मार्केट बाय क्रिएटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ द वॉचफुल आइज ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेटर। इनका एक एडवाइस है या फिर ये तो जनरली प्रैक्टिस भी किया जाता है कि जो सेविंग होती है एक इंडिविजुअल की, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की और गवर्नमेंट की, उसको मोबिलाइज करना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। आपके पैसे जो रखे हो उसको मोबिलाइज करना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक्स, उसको मोबिलाइज करे, वो पैसा एक जगह रहे ना, वो पैसा देश के विकास में काम कहीं ना कहीं लगता रहे। फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोअर, मतलब पैसा रखने वाले से बोरोअर तक का फ्लो क्या होता है इन फाइनेंशियल मार्केट विच कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीकर्स ऑफ द फंड्स मेनली बिजनेस एंड फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, ज्यादातर पैसे की जरूरत किसको होती है, मेनली बिजनेस फर्म्स को और गवर्नमेंट्स को। ये सप्लायर्स, पैसे का सप्लायर का, और मेनली हाउस होल्ड बोले तो हर एक आदमी, हर एक आम इंसान जो पैसा रखता है, कमाता है, अपनी सेविंग रखता है, उसको चाहता है कि इंक्रीज करे, इन्वेस्ट करे, तो उसे यहाँ पे पैसा रहता है, इनकी ज़रूरत है। अब इनके बीच में ये सारे लोग काम करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट हुआ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि उस पैसे को उनके पास पहुँचाते हैं। दैट इज़ वॉट द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज़ वॉट हाउ द फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The contribution of various types of financial market in economic development has been discussed as below. अब क्या क्या मार्केट है, कहाँ से हम पैसा लेते हैं, मतलब कि जिसके पास पैसा है और जिसको जरूरत है उस किस तरीके से हम लोग पहुँचाते हैं, उसमें से पहला एग्जाम्पल है कैपिटल मार्केट। तो आप समझ रहे हो फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये आदमी है, इसको पैसे की जरूरत है, और एक आदमी ऐसा जिसके पास पैसा रखा हुआ है,
तब इनको कौन कनेक्ट करेगा? अपना फाइनेंशियल मार्केट ही कनेक्ट करेगा। तो जब ये कनेक्ट होगा तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूर होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या रोल प्ले करता है? जी हाँ, यही रोल प्ले करता है कि भाई जिसके पास सप्लायर है, दिस इज द सप्लायर ऑफ फंड, और दिस इज द सीकर ऑफ द फंड। ये सीकर है और ये सप्लायर है, मतलब जो देने वाला है और ये जिसको जरूरत है, तो वो लेगा किसके माध्यम से? लेगा फाइनेंशियल मार्केट से। तो आइए देखते हैं, कैपिटल मार्केट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बिल्कुल, कैपिटल मार्केट इज द मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी फंड्स आर ट्रेडेड, जहां पे इक्विटी शेयर्स डेट आपको मिलते हैं, या फिर वहां से रेज कर सकते हो आप, मतलब पैसा बेसिकली रेज कर सकते हो। इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर्स कैपिटल ऑन अ लार्ज स्केल मे टैप द कैपिटल मार्केट, देयरफॉर द कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स अ मच नीडेड लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी एंड गिव इट अ बूस्ट टू द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी एज इट सेव्स एज एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि जब तक इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिलेगा, वो कहाँ से बिजनेस करेगा अगर उसके पास नहीं है, एक्सपेंशन करने जाता है तो कैपिटल मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनको पैसा दिलाता है। द प्राइमरी रोल ऑफ द कैपिटल मार्केट इज टू ट्रांसफर सरप्लस फंड्स टू डेफिसिट सेक्टर। वाह, क्या लाइन लिखा हुआ है। प्राइमरी रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इज टू ट्रांसफर सरप्लस फंड्स टू डेफिसिट सेक्टर, मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा है वो डेफिसिट वाले को देगा। ज्यादा का मतलब क्या? आप सपोज करिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीने, आप सेविंग उसमें से करते हो से 20,000 to 15,000 तो उस आपके पास क्या वो उतना सरप्लस है। अब उस सरप्लस को डेफिसिट सेक्टर में चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को तो भाई पैसा ही पैसा चाहिए, जितना पैसा दे दो उतना कम है, तो वहां पे वो पैसे को यूटिलाइज करेगा और आपको रिटर्न भी देगा। ठीक है, तो वो रोल प्ले करता है कि सरप्लस फंड्स को डेफिसिट सेक्टर में लेके जाया जाए, विच आर इन डायर नीड ऑफ द मनी, जिसको एकदम जरूरत रहती है पैसे की। डेफिसिट सेक्टर मींस द कैपिटल मार्केट परफॉर्म्स द क्रूशियल फंक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट इज यूटिलाइज बाई कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग ऑफ न्यू बिजनेसेस और फॉर एक्सपेंडिंग और मॉडर्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस। दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो प्राइमरी मार्केट नए बिजनेस को ऑप्शन देता है कि आप आइए नया शेयर इशू करिए मार्केट में, मतलब जब भी आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट। वो पैसा रेज करिए, डेट रेज करिए, बॉन्ड इशू करिए, तो वहां से आप पैसा रेज कर सकते हो, तो आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, मॉडर्नाइज कर सकते हो एग्जिस्टिंग बिजनेस से प्राइमरी मार्केट के थ्रू। सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ देयर शेयर्स। अब देखो मार्केट में दो टाइप का क्या मतलब है यहां पे, एक मिनट रुकिएगा। ये रहा आपका आईपीओ। आईपीओ मतलब आदमी कम निकालता है, जब आपका बिजनेस को ग्रो करना है, बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, मॉडर्नाइज करना है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाना है, तो ये होता है। तो आप शेयर मार्केट में गए और वहां पे रेज किए शेयर रेज कर सकते हो, शेयर के थ्रू फंड रेज कर सकते हो, डेट के थ्रू कर सकते हो, बॉन्ड के थ्रू कर सकते हो, एज यू लाइक इट। तो यहाँ पैसा आपने रेज कर लिया, फिर इसके बाद आपका मार्केट मतलब आपका शेयर मार्केट में ट्रेड होने लगा। अब ये जो ट्रेडिंग होगी, कभी आपका मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी एकदम नीचे तो कभी एकदम ऊपर, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट द सेकेंडरी मार्केट एंड दिस इज व्हाट द प्राइमरी मार्केट। पैसा इशू करने तक, पहली इशू करने तक वो आईपीओ है, मतलब वो प्राइमरी मार्केट है, उसके बाद वो होगा वो सिक्योरिटी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। बोला वहां पे अपने मार्केट प्राइस को रेज करने की कोशिश की जाती है, देयर बाय इनेबलिंग देम टू अट्रैक्ट मोर कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर एंड लोन्स फ्रॉम द बैंक। और अच्छा मार्केट शेयर रहेगा, उनका मार्केट प्राइस दमदार रहेगा, तो उनको अच्छा अच्छा इन्वेस्टर मिलेगा, कि भाई आदमी का मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, कि आज अगर मैं इस कंपनी का इन्वेस्ट करता हूँ इस कंपनी में, तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लोन वाला भी सोचेगा कि भाई कंपनी तो दमदार है, इसको हम लोन दे सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स द शेयर होल्डर्स टू इंक्रीज देयर वेल्थ। अगर मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया है तो उससे मैं अपनी वेल्थ भी मैक्सिमाइज कर सकता हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स, जनरल इन्वेस्टर्स। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई मीडियम एंड स्मॉल स्केल इन इंडिया जीडीपी कैन नॉट बी डिनाइड। जी मतलब
हम एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन को इंडिया के जीडीपी में जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, एज पर डिटेल प्रोवाइडेड बाय प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो डेटेड 22 जुलाई 2014, बहुत पुराना नहीं हो गया, तो एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टू जीडीपी ड्यूरिंग 2000 इज अप्रोक्सीमेटली 7.04%। जीडीपी का 7% लगभग हिस्सा कहां से आता है, एमएसएमई से आता है, तो हम इसके इंपैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। हाउएवर टेकिंग टू अकाउंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर एमएसएमई, ये कौन सा सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये सर्विस सेक्टर है, जिसकी एस्टिमेटेड एट 30.50, माय गॉड, टोटल हो गया कितना, नियर अबाउट 37.54। द शेयर ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स इन जीडीपी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 37.54, it also has been observed that MSME sector that provides the highest number of employment opportunity has been hit by severe capital crunch. भैया पैसा ही नहीं है इनके पास, हमारी GDP का ये लोग 37.54% part है और सबसे ज्यादा employment यहीं से generate होती है, but इनके पास पैसे नहीं है, पैसे लाओ भाई सब, ग्रो तभी करेंगे। सो दिस इज एन एरिया वेयर इमीडिएट मेजर्स आर रिक्वायर्ड सो दैट नेसेसरी कैपिटल बी इन्फ्यूज टू प्रोवाइड सच नीडेड लिक्विडिटी, इनको पैसे की जरूरत है, बिल्कुल है, यहां पे फोकस करने की जरूरत है। आईसीआई, डियर आईसीआई ने गवर्नमेंट को बोला है कि मोदी गवर्नमेंट भाई साहब देखिए यहां पे जरूरत है, आप इनको जल्दी से कैपिटल दिलाइए, और ये बहुत ही सीवियर क्रंच में है, पैसे की बहुत ही किल्लत है, ग्रो नहीं कर पा रहे, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं या फिर लॉसेस में चल रहे हैं। दिस इज द अर्जेंट बिकॉज अनलेस द एमएसएमई सेक्टर विल गेट द मच नीडेड कैपिटल दे डिजर्व, दे कैन नॉट बूस्ट अप देयर प्रोडक्शन अंटिल और ने, जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा हाउ दे कैन बूस्ट देयर प्रोडक्शन। यस, ज्यादा लोग नहीं रख पाएंगे, अच्छी मशीन नहीं ले के आ पाएंगे अगर पैसा नहीं रहेगा तो। इफ प्रोडक्शन डज नॉट गेट इंक्रीज, इंप्लॉयमेंट जनरेशन विल नॉट टेक प्लेस। भाई सब देख लो, इंप्लॉयमेंट को अगर आपको बूस्ट करना है तो आप, या इंडिया में सबसे बेरोजगारी एक मुद्दा है और बहुत ही सीरियस है, और आप उसको कभी भी 10 साल या 5 साल के नजरिए से नहीं देख सकते, उसको 20 साल 25 साल के एक व्यू पॉइंट से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि आज के आज ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट विल टेक टाइम, बिल्कुल समय लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत ही जटिल हैं, और ऐसा नहीं होता कि आप एक साल में या पाँच साल में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा दो, तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट भी होते हैं और बेनिफिट। मेरा कहने का मतलब एक बहुत ही एक लॉन्ग डिस्टेंस सोचने की जरूरत है, तो यहाँ पे हमारे सी इंस्टीट्यूट ने आपको बता दिया भाई साहब कि देखिए कैपिटल मार्केट कैपिटल्स को मतलब एमएसएमई तक पहुंचाइए, जब तक वहां प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो ज्यादा लोग तो कोई इंप्लॉय नहीं कर पाएगा। लो इंप्लॉयमेंट जनरेशन विल नॉट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज नहीं होगा, अगर इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा। एक घर में 6 लोग हैं जिसमें से कोई भी अगर इंप्लॉय नहीं, अगर एक आदमी भी इंप्लॉयमेंट में है तो कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा पाएगा। दिस विल स्लो द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अगर इनको मच नीडेड हैविंग सीवियर कैपिटल क्रंच में अगर कैपिटल नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा और देश की तरक्की पे भी असर पड़ेगा। द एसएमई एक्सचेंज इज अ वेलकम मूव फॉर द स्मॉल एंड मीडियम, बट इट इज अलोन नॉट इनफ टू रिवाइव एमएसएमई। आप गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, एसएमई एक्सचेंज इज अ वेलकम मूव फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बट इज अलोन नॉट इनफ टू रिवाइव एमएसएमई। अब देखो एक और भी आपको बता दें कि आपको एमएसएमई, जब भी कोई बड़ी कंपनी एमएसएमई से माल खरीदती है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कोई भी क्रेडिटर्स अगर आपका है क्रेडिटर्स विच इज एमएसएमई, तो उसको 3 महीने के अंदर तक, आई बिलीव जहां तक मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ, एमएसएमई को 3 महीने के अंदर ही आपको पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो एक इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगाया जाएगा, आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज करिए आपका 1 लाख रुपया ड्यू है, अगर एमएसएमई से ड्यू है तो आपको विद इन 3 मंथ
आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो 6-8 या कितना परसेंट इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एसएमई एक्सचेंज है, एसएमई एक्सचेंज बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज की तरह है, जैसे कि एसएमई एक अलग ही स्टॉक एक्सचेंज है जो डेडिकेटेड है स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, ठीक है। एसएमई एक्सचेंज मतलब आप वहां पे जैसे कि आपको एनएससी या फिर बीएससी में एक्सचेंज मतलब लिस्टिंग कराने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपके शेयर्स को ट्रेडिंग कराने के लिए, ऊपर नीचे कराने के लिए या फिर शेयर इशू करने के लिए, तो आप सीधा एसएमई एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराइए। दिस इज जस्ट फॉर डेडिकेटेड जस्ट फॉर द एसएमईज, ओके। तो ये उतना इंपैक्ट नहीं करता है जितना हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इससे प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती है और ना ही हो रही है, ना होती दिख रही है, आई मीन टू से। ओके, नाउ कम टू द मनी मार्केट, पैसे का बाजार, शुद्ध हिंदी अगर बोला जाए तो मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स आर ट्रेडेड। इन सिंपल टर्म इट मींस दैट फाइनेंशियल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट। द शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड कैन इजिली बी मेट इनटू द फंड मनी मार्केट। मनी मार्केट्स प्ले अ की रोल इन बैंक्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड मनी मॉनिटरी पॉलिसीज। मनी मार्केट में जैसे कि बैंक आ गया, कहने का मतलब है कि आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की जब रिक्वायरमेंट है तो आप मनी मार्केट की तरफ देखिए। जैसे बैंक के पास आप जाइए, बोलिए मेरे को 5 करोड़ का लोन चाहिए, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल, अगर आप एसएमई हो या फिर बड़े इंडस्ट्रीज हो तो आपको 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ एक छोटे मोटे पैसे की जब जरूरत है तो आप वहां पे मिल सकता है। शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट और द वर्ड्स कैन बी इजिली बी मेट, जी हाँ। लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे आप मत बनिएगा, उसको रिटर्न भी कर दीजिए। आई शुड नॉट से नेम, नहीं लेना चाहिए मुझे, सो ठीक है, मेरा इंटेंशन वैसा कुछ नहीं था, वैसे मेरे ऊपर मानहानि का केस थोड़ी नहीं करेगा। ओके, सरकास्ट। नाउ बैंक लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये क्या दिया हुआ है, हाँ बोला कि आप वहां से ले सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट बैंक की लिक्विडिटी मैनेजमेंट रहती है कि बैंक कैसे आपको पैसा देगा कैसे नहीं देगा। बैंक्स हैव टू मेंटेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज एसएलआर एंड कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर इज रिजर्व विच बैंक्स हैव टू कीप रिजर्व बैंक। भाई एक सेट ऑफ, सपोज कर आप 100 रुपये इकट्ठा करते हो तो आप उसमें से कुछ पार्ट आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रखने पड़ते हैं टू जस्ट मेंटेन योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऐसा नहीं कि सब पैसा बांट दो, आपको नॉर्मल डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में भी दिक्कत आने लगे। सपोज करिए आप 100 रुपया लेते हो तो उसमें से 5-10 जो भी रेट है सीआरआर का 4% या 5% जो भी है, आई बिलीव 4 के आसपास होगा बट आई एम नॉट श्योर। तो कहने मोटिव क्या है इसका कि आपको 100 रुपये आपने रिसीव किया, 4 रुपये आप आरबीआई के साथ रख लीजिए से फॉर एग्जाम्पल, जिससे कि आपको डे टू डे ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं, आपकी लिक्विडिटी बनी रहेगी। ऑन अदर हैंड एसएलआर इज अमाउंट विच बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ। बैंक्स आर ऑफन इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी। और एक एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आपका कहने का मतलब यह है कि आपके पास इतना डिपॉजिट होना चाहिए और इतना लोन देना चाहिए आपको, लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर और एलआर का, एसएलआर का मतलब एक ही है ये दोनों का, कि आप लिक्विडिटी बनाए रखो, मतलब आप दिवालिया मत हो जाए, बैंक खुद ना दिवालिया हो जाए, ठीक है। एसएलआर रिक्वायरमेंट हेल्प्स बैंक्स टू डू दैट व्हेनेवर आरबीआई इशू ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक्स ऑटोमेटिकली मीट। स्पिरिट क्या है इस पॉइंट का कि आप बैंक की लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, बैंक आपको लोन दे देगा सारा पैसा जो उसके पास आता है कि उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट है। एसएलआर एक बेसिकली आपको रिजर्व्स रखने पड़ते हैं जब भी आप किसी को क्रेडिट देते हो, जब भी आप किसी को क्रेडिट देते हो मतलब पैसा देते हो, तो आप सारे पैसे नहीं दे सकते उसको, उसके अगेंस्ट आपको कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, जस्ट लाइक की कैश गोल्ड रिजर्व्स जो भी आरबीआई अप्रूव करता है सिक्योरिटीज आपको रखने पड़ते हैं। और सीआरआर तो आपको जो पैसा डिपॉजिट मिलता है उससे रखना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल।
एक मिनट मैं हाईलाइटर चूज कर लू। बैंक लिक्विडिटी मैनेजमेंट समझ में आ गया। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोज एंड रिवर्स रिपोज। द गवर्नमेंट एडजस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट थस रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग मनी सप्लाई बाय इंपैक्टिंग। देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ऐसे अगर समझा जाए कि आपके पास अगर पैसा है तो आप आरबीआई के बैंक में, आई एम टॉकिंग विद द बैंक आई बिलीव, बैंक के पास पैसा है तो बैंक आरबीआई के पास पैसा रख सकता है, उसको एक 4% 5% जो भी रेपो रेट रहता है उसके हिसाब से आपको पैसा इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट उसको ऊपर नीचे करती रहती है टू मैनेज द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, जी हाँ ये अफेक्ट करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर नीचे इनके वजह से होते हैं, इन्फ्लेशन भी ऊपर नीचे इनके हो सकता है, बिजनेस साइकिल। दो द इंट्रोडक्शन ऑफ रेपोज एंड रिवर्स रेपो द गवर्नमेंट एडजस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर नीचे करती है। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ऐसा होता है कि आप बैंक जो होता है, बैंक का भी एक बैंक होता है दैट इज आरबीआई, वो अपना पैसा उनके पास रख सकता है तो वहां से उनको क्या मिलती है, कुछ इंटरेस्ट, और वहां से कुछ पैसा वो ले भी सकता है क्रेडिट पे जो तब उनको इंटरेस्ट देनी पड़ती है। तो इस लेन देन में जो लगने वाला रेपो रेट होता है उसको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट ऊपर नीचे करता रहता है। सपोज करिए बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक अगर आरबीआई से पैसा लेता है तो आरबीआई वाला अगर इंटरेस्ट बढ़ा के देगा तो बैंक भी आपको इंटरेस्ट बढ़ा के देगा लोन। तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर नीचे किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू या फिर एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जहां पे बैंकिंग सिस्टम पे बेसिकली बेस्ड है। Reducing or increasing money supply by impacting inflation, therefore affecting changes in the business cycle, also by introducing treasury bills and other money market instruments, it affects the money supply and consequently inflation and business cycle. और उसके बाद also treasury bill के बारे में बात किया जा रहा है। पहले reverse rate और reverse repo rate और repo rate जिसमें ये देखा जाता है ऑल्सो बाय इंट्रोड्यूसिंग ट्रेजरी बिल एंड अदर मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल क्या होता है? गवर्नमेंट एक ट्रेजरी बिल इश्यू करती है। ये क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बोले कि आपके पास सरप्लस फंड है हमारे यहां डिपोजिट कर दीजिए और हम उसको आपको स्पेसिफिक पैसा दे देंगे उसके लिए, जिससे आपका मार्केट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करता है, ट्रेजरी बिल आप खरीद लीजिए, आपके पास सरप्लस फंड है, उसके बाद आरबीआई इसको ऑक्शन में बेच देता है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास सरप्लस फंड है तो गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकता है, रख सकता है आप ट्रेजरी बिल के थ्रू। In normal times, money markets are among the most liquid in the financial sector. By providing appropriate instrument for the liquidity rating, money market allows the refinancing of the short and medium term positions and facilitates the mitigation of one's business liquidity risk with the help of the commercial papers, commercial bills and certificate of deposit. कहने का मतलब यह है कि in normal times, money market क्या होता है? Among the most liquid इन द फाइनेंशियल सेक्टर, जब पैसा चाहिए वहां पे मिल सकता है आपको, मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। कोई बिल, बॉन्ड या फिर इक्विटी शेयर इशू नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, आप पैसे को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। बस तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म और क्विक, बेसिकली मोर लिक्विड है कैपिटल मार्केट्स। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अर्न्स थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कैन बी यूज्ड टू रिमूव द पॉवर्टी। क्या लाइन लिखा हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज अर्न थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई से जो पैसा इंडिया में आया है कैन बी यूज्ड टू रिमूव द poverty and for other productive purposes. Inflow of foreign exchange increase the sale of production and national income of the country. भैया ज़्यादा पैसा आएगा तो हमारे रिजर्व में फॉरेन करेंसी ज़्यादा होगा, तो अभी
बहुत ज्यादा है हमारे पास, मतलब प्रीवियस ईयर से इंक्रीज ही कर रहे हैं अपने फॉरेन रिजर्व्स. विद द राइज इन द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड आर फुली यूटिलाइज एंड इट हेल्प रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री. एफडीआई से फॉरेन एक्सचेंज आता है तो देश में इन्वेस्टमेंट आएगी. इन्वेस्टमेंट आने से क्या होगा, रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज यूटिलाइज होंगे, डोमेस्टिक डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, तो अच्छी बात है फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेक्स मार्केट प्रोवाइड्स ट्रेडर्स विद अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी उनको दी जाती है. दिस इज बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी यूज फॉर ट्रेडिंग. यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, आप जितना चाहो उतना पैसा ट्रेड कर सकते हो. फॉरेक्स मार्केट प्रोवाइड्स ट्रेडर्स विद अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शंस, बहुत सारी वैरायटीज भी मिलती हैं. दे हैव द चॉइस टू एंटरिंग इनटू स्पॉट ट्रेड और दे कुड एंटर इनटू फ्यूचर एग्रीमेंट. आज भी ट्रेड कर सकते हो और फ्यूचर में भी कर सकते हो. फ्यूचर एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड विद द डिफरेंट मैच्योरिटीज टू मीट द नीड्स ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडर्स. और ये डिफरेंट साइज के भी होते हैं और डिफरेंट टाइम, मतलब आपको पूरी सहूलियत दी जा रही है. अब फॉरेन एक्सचेंज मतलब आप पैसा लगाइए, विदेशी पैसा इंडिया में लाइए, कोई दिक्कत नहीं. देयरफॉर फॉरेक्स मार्केट प्रोवाइड्स एन ऑप्शन फॉर एवरी बजट एंड एवरी इन्वेस्टर विद द डिफरेंट एपिटेट फॉर रिस्क टेकिंग. आपको छोटे से बड़ा पैकेज, हर तरीके का पैकेज मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, आप करिए. फर्दर द फॉरेस्ट मार्केट इज ट्रांसपेरेंट इन द कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एज इट इज ह्यूज इन साइज एंड ऑपरेट्स अक्रॉस सेवरल टाइम जोन. कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है इन कंपेयर टू द कैपिटल एंड मनी मार्केट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम जोन में मतलब अक्रॉस द ग्लोब काम करता है. इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेक्स मार्केट इज इजली, बहुत इजली अवेलेबल. ऑल्सो नो कंट्री और सेंट्रल बैंक हैज एबिलिटी टू सिंगल हैंडली काउंटर द मार्केट और रिग प्राइसेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. और किसी भी कंट्री या फिर सेंट्रल बैंक में इतनी ताकत नहीं रहती कि इसको इन्फ्लुएंस करे और इसके मार्केट प्राइस को या फिर प्राइसेस को ऊपर नीचे कर पाए. ठीक है, फिर आता है डेरिवेटिव मार्केट. द डेरिवेटिव मार्केट अपना डेरिवेटिव का पूरा एक भरा हुआ चैप्टर है. डेरिवेटिव मार्केट इज द फाइनेंशियल मार्केट फॉर डेरिवेटिव्स. जी हाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन. फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप पढ़ोगे डेरिवेटिव पूरे एक चैप्टर में. ठीक है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आज का शेयर, मतलब आज आप फ्यूचर के शेयर्स खरीद सकते हो या फिर आज के डेट में आप ऑप्शन खरीद सकते हो फ्यूचर में उसको बेचने और खरीदने का. ठीक है, चलिए आगे समझेंगे जब पूरा चैप्टर आएगा तो, बट इतना ही समझ लीजिए. विच आर डिराइव फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ द एसेट सच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डेरिवेटिव टेक प्लेस इन द फ्यूचर. सारे के सारे ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होते हैं. सो कैपिटल मार्केट में जैसे आप ये डेरिवेटिव वहीं पे होता है बट आप फ्यूचर में काम करते हो, प्रेजेंट में नहीं. इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद बेटर अपॉर्चुनिटी बिकॉज एन इंडिविजुअल हु वांट्स शॉर्ट सेल सम स्टॉक फॉर लॉन्ग टाइम कैन डू इट इन द फ्यूचर और ऑप्शन. हिन्स द बिगेस्ट बेनिफिट टू दैट इट गिव्स न्यूमरस ऑप्शन टू इन्वेस्टर ट्रेड एक्सेट इन शॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज. कहने मतलब ये कि एक इन्वेस्टर को ऑप्शन देता है कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो. अगर आज आप लगता है आज बेच दो और फ्यूचर में आप ट्रेड कर लो, आपको बेनिफिट रहेगा. मतलब एक न्यूमरस ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट आपको ला देता है. मैं सही बोल रहा हूँ कि आज के डेट में आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. दैट इज वॉट द डेरिवेटिव मार्केट इज. बट वी विल स्टडी इन डिटेल इन आवर डेरिवेटिव मार्केट चैप्टर विच आर हैविंग क्वेश्चंस टू. And those are considered one of the toughest question. I believe कुछ लोगों को derivative persons भी नहीं आते, थोड़ा technical होते हैं. But we will make sure कि जितना easy हो सके उतना easy हो जाए. आइए आगे. Regulation in the financial market. अब 2.1 अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार revise मारते हैं. हमने पढ़ा capital market, हमने पढ़ा money market, और हमने पढ़ा अभी डेरिवेटिव मार्केट. और एक मार्केट थर्ड वन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है. सारी जरूरी है. ठीक है, तो ये रोल प्ले करती हैं. हमारा मेन पॉइंट क्या था अगर आपको याद है, रोल क्या प्ले करती हैं. मेन पॉइंट मत भूलो भा, ऐसे नहीं होता. कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल मार्केट हमने बताया आपको चार, और इनका रोल क्या है, कैसे रोल प्ले करते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, ये हो गए सारे। मतलब आप पैसे, आपको जरूरत, आप शिकर हो और ये सप्लायर है, तो इन माध्यमों से आप पैसा यहां से यहां पहुंचाते हो। फिर आती है रेगुलेटर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। क्या रेगुलेट होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, मतलब अगर ऐसे ही चलते रहे तो फिर पैसे का खेल है भाई साहब। पैसा तो बिना रेगुलेशन के तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सब एक दूसरे को चीटिंग करने लगेगा। तो हर लोगों के लिए एक रेगुलेटर बना हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ पे अच्छा खासा डायग्राम बनाया हुआ है कि किसके लिए कौन कौन है। सेवी, आरबीआई, बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स, आईआरडीए, इंश्योरेंस कंपनीज, पीएफआरडीए, पेंशंस, रेरा, रियल एस्टेट कंपनीज, ये नया आया है, सेवी, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपोजिटरीज, डिपोजिटरी पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्टर्ड एंड शेयर ट्रांसफर। तो भाई साहब कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी, आरबीआई, मॉनेटरी मार्केट, जी हाँ, बैंक्स, आईआरडी, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वाले भी पैसा खूब लगाते हैं शेयर मार्केट में, एलआईसी फॉर एन एग्जांपल। बहुत सारे भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बट मैं एलआईसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एलआईसी वाले पैसा लेके क्या करते हैं, वो पैसे को मोबिलाइज करते हैं, आपके पैसे को लिया और मोबिलाइज किया, लोगों तक पहुंचाया। बट उसको भी रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, दैट इज आईआरडीए, फिर पीएफआरडीए एंड रियल एस्टेट कंपनीज। तो एक एक के बारे में बात करते हैं, एक एक करके। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जन्म कब हुआ? सॉरी, सेबी वॉज बॉर्न इन 1993। द बेसिक ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेवियर। 1992 वो सुनहरा साल जब सेबी का इंट्रोडक्शन हुआ, और इनका एक ही मकसद था कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की जाए, उसके पैसा अगर वो लगा रहा है तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि सही जगह पैसा लगा रहा है, यहाँ पे कोई घपला तो नहीं होने वाला। ठीक है जी हाँ, और बहुत ही हाईली रेगुलेट है, और सेबी बहुत ही पॉपुलर है अक्रॉस द ग्लोब, अच्छी इंस्टीट्यूट मानी जाती है। और सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करने के लिए दो मेन पर्पस था, आइए देखते हैं द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जी बिल्कुल, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं भाई साहब जी नहीं, इट कैन बी बॉय और गर्ल। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, बिल्कुल, रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। देखो, प्रोटेक्ट, प्रमोट और रेगुलेट तीन काम करते हैं भाई साहब। प्रोटेक्ट क्या करते हैं इन्वेस्टर्स को, प्रमोट क्या करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट को, रेगुलेट करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट को। सिक्योरिटी मार्केट के दो काम, इन्वेस्टर्स के काम। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ द सेबी एज पर सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की क्या क्या फंक्शन है अगर उनके एक्ट के हिसाब से बात किया जाए। Regulating the business in the stock exchange and any other stock market. Stock market में regulate करना businesses को. Registering and regulating the working of the stock brokers. Stock broker के registration से लेके उसके working को regulate करना, इन्हीं का काम देखना, इन्हीं का काम है. Not only stock brokers, sub brokers, share transfer agents, bankers to an issue, कुछ हद तक bankers को भी, trustee of trust deeds, रजिस्ट्रार टू एन इशू, कुछ हद तक रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड सच अदर इंटरमीडियरीज हु मे बी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी मैनर। सिक्योरिटी मार्केट तक पहुंचने में आपकी जो जो लोग मदद करते हैं उसको रेगुलेट करता है सेबी, अगर ऐसे बोला जाए तो। ठीक है, जैसे कि स्टॉक के ब्रोकर हो गए, आपका पैसा कैसे लगेगा, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए जो कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, कुछ ब्रोकर रिस्क लेगा आपसे।
वैसे ही शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं, बैंकर्स हो गए, ट्रस्टी हो गए, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, ये लोग सारे काम करते हैं बेसिकली इंटरमीडियरीज की तरह आपके और सेबी के बीच में। तो उनको रजिस्टर करना और रेगुलेट करना दोनों काम सेबी का है। फंक्शन रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ द डिपोजिटरीज participants, custodians of the securities, foreign institutional investors, credit rating agencies and such other intermediaries as the board may by notification specify in the behalf. Depositories जो कि हैं securities market में depositories भी होती हैं जहाँ पे आप अपना shares deposit करते हो रखते हो, उनको भी regulate करता है SEBI। Registry से लेके regulate, registry and regulation, the working of including mutual fund, venture capital funds and collective investment scheme. Venture capital funds को भी और investment schemes को भी, mutual funds तो obviously. Promoting, prohibiting, regulating. So prohibit क्या करता है? Fraudulent and unfair trade practices relating to securities market. हाँ भैया, यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने में बहुत मदद करता है। इनसाइडर्स ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, इनसाइडर ट्रेडिंग को भी प्रमोट नहीं करता, प्रोहिबिट करता है, बंद करता है। प्रमोटिंग रेगुलेटरी सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट करना और रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, खुद से जो रेगुलेट होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना। प्रमोटिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, बहुत सारा काम नहीं करता है यार सेबी, आपको लगता है एक और इंस्टीट्यूट बना देना चाहिए आईसीआई से पूछ के? ऑफकोर्स अच्छी बात है। वैसे रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, सब्सटेंशियल शेयर्स का जब टेक ओवर होता है फिर कंपनीज का टेक ओवर होता है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको हो इंस्पेक्शन की, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, इंटरमीडियरीज एंड सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन सिक्योरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेबी से मिल जाता है, वो खुद से इंस्पेक्शन भी कर सकता है, ऑडिट भी कराता है स्टॉक एक्सचेंज का, इंक्वायरीज भी बैठा सकता है, म्यूचुअल फंड्स की भी ऑडिट और इंक्वायरी हो सकती है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, मतलब वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है आपको एंड रिकॉर्ड फ्रॉम एनी बैंक और एनी अदर अथॉरिटी और बोर्ड और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल एक्ट। भैया ये किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है जो भी आदमी सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, अगर आपकी कंपनी या फिर कोई भी एंटिटी या फिर आपको, दिस टॉक्स अबाउट द बैंक, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड फ्रॉम एनी बैंक और अदर अथॉरिटीज और बोर्ड और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कोई भी अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगने की ताकत रखता है, आपको देना पड़ेगा। परफॉर्मिंग सच फंक्शन एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इस एक्ट के तहत वो लोग परफॉर्म करते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको राइट दी गई है। लिविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, और फीस भी ये लोग उस पर लेवी करते हैं। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर द अबव पर्पस और इसके रिलेटिंग रिसर्च भी करते हैं। कॉलिंग फ्रॉम और फर्निशिंग टू एनी सच एजेंसी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई बोर्ड सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी, आप किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी बोर्ड द्वारा जो फंक्शन स्पेसिफाई वो कर सकते हो। आरबीआई क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश 1935 विद द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, याद कर लीजिए एक्ट का नाम। दो प्राइवेटली ओन्ड इनिशियली, ओके, इन 1949 इट वॉज नेशनलाइज एंड सिंस देन फुल्ली ओन्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले ये प्राइवेटली ओन्ड था लेकिन बाद में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज कर दिया। द प्रीएम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इट्स मेन फंक्शन एज टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ द बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद द व्यू टू सिक्योरिटी मॉनिटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री
टू इट्स एडवांटेज। कहने का मतलब ये है कि इनका बहुत सारे काम्स होते हैं, बहुत सारे काम्स, क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ, बहुत सारे वर्क्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम फंक्शंस ही पढ़ रहे हैं, रेगुलेटर्स की क्या क्या फंक्शन है। तो इनके क्या क्या फंक्शन है, पहली बात तो नेशनलाइज हो गए। इनका मेन फंक्शन है इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद द व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मतलब पैसे के वैल्यूज को अपहोल्ड करके रखना और नोटों को इश्यू करना, ठीक है, और देश की करेंसीज और क्रेडिट सिस्टम्स को अच्छे से बैलेंस करके रखना। एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई परफॉर्म्स थ्री टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, ओहो, बैंक नोट को इशू करना, टू एक्ट एज द गवर्नमेंट बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर बैंक कर्ज बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, कहाँ रहता है सारा फॉरेन रिजर्व, यहीं पे रहता है, ओके आई गॉट इट, कहाँ तब लोग, इश्यूअर ऑफ द बैंक नोट्स, ये क्या है इश्यूअर ऑफ द बैंक, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक हैज द सोल राइट टू इशू राइट, अच्छी बात है, मतलब नोट इशू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 22 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, टू एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरबीआई इज टू एक्ट एज द गवर्नमेंट बैंकर, गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करना, एजेंट और एडवाइजर की तरह, इज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओह माय गॉड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है एक एजेंट की तरह गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, बट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है कि आपको जो चाहिए वो रख लीजिए, आपके मुताबिक सारा काम होगा, ठीक है, बट दिट शुड नॉट बी हैपन। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स, मतलब ये अच्छी बात है, आरबीआई अगर रेगुलेट करता वहाँ पे बैंकर्स बैंक, मतलब गवर्नमेंट का बैंक की तरह काम करता, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लार्ज रिसॉर्ट, बैंकर्स को पैसा देने के लिए, द कमर्शियल बैंक्स ऑलवेज लुक अप टू द आरबीआई इन केस ऑफ द नीड ऑफ द फंड्स, ये कमर्शियल बैंक सारे के सारे आरबीआई के पास जाते हैं पैसे की जरूरत होती है, देयर फोर दे कॉल्ड बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों के भी बैंक इनको कहा जाता है। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कंट्रोलर ऑफ द, दैट इट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द क्रेडिट क्रिएटेड बाय बैंक्स इन इंडिया, कितना पैसा देना है, किस रेट पे देना है, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, सारा बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई देखता है, अगर इसको ऊपर करना ऊपर कर देगा। आप सुनते होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लोन कितना रेट पे दे जा रहा है उससे इम्पैक्ट पड़ता है। इट कैन डू सो थ्रू चेंजिंग द बैंक रेट और दो थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी कर सकता है और बैंक रेट को बदलकर भी। आरबीआई इज ऑल्सो सेलेक्टिव कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, कैन डायरेक्ट द बैंक्स नॉट टू लेंड द सर्टेन पीपल और ग्रुप ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटीज, कुछ लोगों को रोक भी सकता है कि आप इन लोगों को मत क्रेडिट दीजिए। आरबीआई ऑल्सो हैज द पावर टू कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया, जी हाँ। फर्दर ऑन एवरी वीकली फ्राइडे विच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग फ्राइडे, द कमर्शियल बैंक्स हैव टू रिपोर्ट to the RBI that they are complying with the CRR presently 4%, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि CRR 4-5% है, 4% जहाँ तक मुझे याद था, सही याद था। SLR presently 25%, क्या SLR, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, कि भाई इतना आपको पैसा रहना होगा जितना आप लेंड करते हो, ठीक है। फिर बात आती है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा, अंडर द लॉ रिक्वायर्ड दैट ऑल फॉरेन इशू रिसीव वेदर ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग, इन्वेस्टमेंट अर्निंग और कैपिटल रिसीव, वेदर ऑन प्राइवेट अकाउंट और गवर्नमेंट अकाउंट, मस्ट बी शोल्ड टू द आरबीआई अदर डायरेक्टली और थ्रू ऑथोराइज डीलर्स मोस्टली कमर्शियल बैंक, दैट इज रिजल्टेड इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ द करंट कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद द आरबीआई एंड फैसिलिटेटिंग प्लान यूटिलाइजेशन देयर रिजर्व बिकॉज ऑल, कहने का मतलब आपको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में आप डील करोगे पैसा आपको आरबीआई को देना पड़ेगा, भले ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो तो भी। बिकॉज ऑल द पेमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज वर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई द अथॉरिटीज, सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन। सुपरवाइजरी फंक्शन क्या है आरबीआई में, आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ, रिजर्व बैंक एक्ट 1934 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हैव गिवन द आरबीआई
wide power and supervision and control over the commercial and cooperative banks relating to the licensing and establishing branch expansion, liquidity of their asset management and methods of working, amalgamation, reconstruction. कहने का मतलब है कि बहुत ही पावर दिया गया है आरबीआई को और बैंक आरबीआई एक्ट में और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, जिसके थ्रू आप जब भी कोई भी बैंक अगर सोच रहे हो कि मर्ज होगा, एक्सपेंड कर रहा है, ब्रांच बढ़ाएगा, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है रूल्स के हिसाब से, जिससे कि देश अपनी देश की इकोनॉमी बैंक्स पर डिपेंडेंट है, तो अगर बैंक को मनमाना छोड़ दिया जाएगा तो वो लोग तो देश को डुबा देंगे अपने प्रॉफिट के चक्कर में. फर्दर द आरबीआई इज ऑथोराइज टू कैरी आउट पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक्स एंड ऑल to call for the returns and necessary information from them. अगर लगता है तो RBI inspection करके उसमें necessary call ले सकता है, जैसे कि दो banks को merge करना, एक banks को बंद करना, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें. Therefore, the supervisory function of the RBI have forced the banks to do their jobs on sound lines and prove the method of their operation. अच्छे से काम करो और अच्छे methods को imply करो. इस आरबीआई मतलब आरबीआई का पूरा फोकस इसी रहता है, सुपरवाइज करता है आरबीआई, तो उसका मेन फोकस ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बैंक साउंड लाइंस पे काम करे और इम्प्रूव करे मेथड ऑफ देयर ऑपरेशन. ठीक है. प्रमोशनल फंक्शंस, द सेंट्रल बैंक नाउ परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शंस विच एट वन टाइम वर रिगार्डेड एज आउटसाइड द नॉर्मल स्कोप ऑफ द सेंट्रल बैंक. शो द रिजर्व बैंक वॉज आस्क्ड टू प्रमोट द बैंकिंग हैबिट अमंगस्ट द पीपल. पहले नहीं था, अभी प्रमोशनल फंक्शंस भी किए जाते हैं कि आप बैंक से जुड़ी, जैसे अभी आया था एक जनधन खाता, दैट इज रियली नाइस इनिशिएटिव, जिससे के थ्रू आप आधार कार्ड के थ्रू आप अपना अकाउंट खुलवाते थे, लोग बैंक से कनेक्ट हुए, तो गवर्नमेंट ने उसमें भी एडवर्टाइजमेंट किया था. पीपल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पीपल आर इनकरेज टू ओपन जनधन अकाउंट्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर आधार कार्ड. नाउ पीपल आर आस्क्ड to resort to the online banking as the government is promoting cashless economy. Banks are also gearing up to this challenge as they will need the required infrastructures to enable the customers to transact through online banking. और online banking को भी promote किया जाता था, जैसे कि उसमें से भीम UPI एक बहुत ही major player है, आजकल बहुत ही popular है, वो नीति आयोग का ही है, government की एक body है, उसी ने launch किया है, मतलब online banking को promote कर रहे हैं मोदी जी, तो thank you मोदी जी. जी हाँ, थैंक यू बनता है, आप क्रिटिसाइज भी मैं करता हूँ. द रीजन इज दैट रिसेंट ट्रेंड्स इंडिकेट दैट द ट्रांजेक्शन थ्रू ATM विल रिड्यूस इन द फ्यूचर. और रिसेंट ट्रेंड बताते हैं कि ATM से भैया पैसा निकालने वाला जमाना खत्म होने वाला है, मतलब कम होने वाला, खत्म तो कभी नहीं होगा. अर्लियर द रिजर्व बैंक हैज हेल्प्ड इन द सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को हेल्प किया था सेटिंग करने में. इट सेटअप द डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन 1962 में. इन्होंने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या वर्ड होता है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन 1962, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जैसे कि UTI इन 1964, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो इन 1964, द एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन. बहुत सारे बॉडीज को भी सेटअप किया जाता है प्रमोशन के लिए. इट ऑल्सो हेल्प इन सेटिंग अप ऑफ वेरियस सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फॉर इंस्टेंस नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड, ऐसे ही कुछ इसका फुल फॉर्म है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, विच प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड ऑल्सो सुपरवाइज रीजनल रूरल बैंक्स RRBs. फर्दर एग्जिम बैंक्स वॉज क्रिएटेड विच प्रोवाइड्स नेसेसरी क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर्स. एंड तो एक्सपोर्टर्स के लिए अलग बैंकिंग सिस्टम है और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए रीजनल रूरल बैंक से पैसा दिया जाता है, तो पूरी तरीके से आपको बैंक से जोड़ने की प्रमोशनल फंक्शंस भी दिखी जाती है. तो ये बैंकिंग का फंक्शन है, मतलब RBI का ये फंक्शन है, बेसिकली RBI फंक्शन करता है इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें RBI के थ्रू होती है. फिर आता है IRDA. IRDA एक्ट वॉज पास इन 1999. ओके, इससे रिलेटेड कुछ मेरा बात है लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा. 1999, द मेन एम ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टू रेगुलेट
है या इंश्योरेंस पॉलिसी को रेगुलेट करना, प्रमोट करना, इंश्योर्स ऑर्डरली ग्रोथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर और अंडर दिस एक्ट कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1931 वॉज रिप्लेस बाई न्यूली एस्टेब्लिश अथॉरिटी कॉल्ड IRDA. भैया इंश्योरेंस रिलेटेड सारा फंक्शन ये देखता है, उसको रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, ऑपरेशंस को देखना, उसके ग्रोथ को देखना, वो सारी चीज़ें IRDA करता है. पहले ये नहीं था, फिर इसको रिप्लेस करके लाया गया IRDA को. अंडर दिस एक्ट कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 वॉज रिप्लेस बाई, इसको रिप्लेस करके लाया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. फीचर्स क्या क्या हैं? द अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन होल टाइम मेंबर्स. अब इस अथॉरिटी में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में क्या क्या फीचर हैं? चेयरमैन है, होल टाइम मेंबर्स हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, दे एक्ट एज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स एंड वर्क जॉइंटली. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि भैया इसमें आपको एक चेयरमैन मिलेगा, होल टाइम पार्ट टाइम मेंबर्स मिलेंगे जो ग्रुप में काम करते हैं. द अथॉरिटी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन इन केस इफ एनी मेंबर रिजाइन्स और डाइज द अथॉरिटी स्टिल कंटिन्यूज टू वर्क. ऐसा नहीं, ये इसकी लाइफ परपेचुअल आजीवन चलता रहेगा, कोई मरा जिया नया आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं. द अथॉरिटी हैज अ कॉमन सील विद द पावर टू इंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट बाय अफिक्सिंग स्टैम्प ऑन द डॉक्यूमेंट्स. इसके पास एक कॉमन सील है. The authority can show or be shown means by the authority can file a case against any person or organization or vice versa. आप इस authority के against case कर सकते हो और ये authority आपके against case कर सकती है. Show or should मतलब case कर सकते हो, वो उनके ऊपर भी हो सकता है. Duties, power and functions, ये रहा features, ये कैसे काम करता है. Consist of what? Now we talk about the powers and functions. Subject to the provisions of this act, any other law for the time being enforced, the authorities shall have the duty to regulate, promote and ensure orderly growth in the insurance business. कोई भी rule अगर applicable है insurance business और reinsurance business पे, तो उसको regulate करता है IRDA. Without prejudice to the generality of the provisions combined in subsection, the powers and functions of the authority shall include issue of the applicant of the certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration. आपका insurance company का registration से renew, modify, withdraw, suspend or cancel की सारी बातें IRDA करेगा. Protection of the interest of the policy holders, जो भी आपकी policy, जैसे मेरी insurance policy अगर है, तो उसके interest को कौन protect करेगा? IRDA. In matters concerning assigning of the policy, nomination with the policy holder, insurance interest, सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम. अगर आपको पैसा नहीं मिला, IRDA के पास जाइए, सरेंडर वैल्यू नहीं मिल रहा है, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, मेरे इंटरेस्ट को ये लोग सेव करेंगे, मेरी जो भी ज़रूरतें इंश्योरेंस कंपनी से हैं, अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो कौन पूरी करवाएगा? IRDA. IRDA मजबूर करता है कि आपने जो भी बात कही थी उसको पूरा करिए, फुलफिल करिए. स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिस टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस कंपनी एंड एजेंट्स. और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी रहती है, वो ट्रेन भी करता है, उसके बारे में बताता भी है कि भाई कैसे कैसे आपको काम करना है. स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सर्वेयर्स एंड लोकल लॉस असेसर्स. कोड ऑफ कंडक्ट भी स्पेसिफाइड है कि आप इस तरीके से सर्वे कर सकते हो, लॉस असेसर इतना लॉस हुआ है, आप कैसे असेस करोगे. लॉस असेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सपोज करिए आपने अपनी स्टॉक जहाँ पे रखते हो उस गैराज की पूरी तरीके से इंश्योरेंस करा के रखे, तो लॉस एसेसर आता है, बोलता है कि इतना लॉस हो, उस हिसाब से वो लोग देते हैं. तो उसको भी कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई किया गया है IRDA के द्वारा कि कैसे आप करोगे. प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द प्रोडक्ट कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस. एफिशिएंटली काम हो इंश्योरेंस बिजनेस में, उसको भी प्रमोट करता है. प्रमोट करता है रेगुलेटरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस. रेगुलेटरी प्रोफेशनल जो भी उनसे कनेक्टेड, जैसे कि वी आर कनेक्टेड या समवेयर वी कैन बी कनेक्टेड टू द IRDA, तो उनको भी प्रमोट करता है. लेविंग फीस एंड चार्जेस, जो भी उसके चार्ज है वो लेते हैं वो लोग. कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोल रेगुलेशन रेट्स, एडवांटेज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस.
Specifying forms of manage books of accounts shall be maintained, regulate investments of the funds by insurance company. कहने का मतलब है कि calling for information from किसी से भी information ले सकते हैं, undertake कर सकते हैं inspection, conduct कर सकते हैं inquiry, investigation, जो भी इनको चाहिए audit भी कर सकते हैं, control and regulates, rates को control करना, regulate करना. Advantages, terms and conditions that may be offered by insurance in respect of the general insurance business and not show control and regulated by the tariff. Advisory committee under section. अब बोला है कि control regulates of rates, जो कि control नहीं होते हैं, which are not business not controlled by tariff advisory committee under section 64U of the Insurance Act 1934. ठीक है, सिंपल सा बात अगर समझा जाए तो इन इन चीजों को प्रमोट करते हैं. स्पेसिफाइंग द फॉर्म्स, मतलब फंक्शन, इनका क्या काम है, तो उसमें से एक काम हो रहा, बहुत सारे काम है. और उसके बाद आता है स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शैल बी रेंडर्ड बाय द इंश्योरर एंड अदर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज. स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन, किस तरीके से आप इंश्योरेंस कंपनीज पे, अगर आपको पता तो अभी तक इंडिया से एप्लीकेबल नहीं है, तो ये कहाँ किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो इनका ये इंश्योरेंस एक्ट ही बताता है. रेगुलेट करना इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं उस फंड्स को भी रेगुलेट किया जाता है. जी हाँ, आपसे इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेके क्या करेंगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगी, और उस इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करता है अपना IRDA. रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब बनी रहे, ऐसा नहीं कि आप इंसॉल्वेंट हो जाए. एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंश्योरर एंड इंटरमीडिएट्स, कोई भी डिस्प्यूट्स है उसको भी सेटल करना. सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द टैरिफ एडवाइजरी कमिटीज, उसके फंक्शंस को सुपरवाइज करना. स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरर टू द फाइनेंस इन स्कीम फॉर प्रमोटिंग रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द क्लॉज एफ. एफ में क्या मेंशन है, प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात हो रहा है. क्यों ना स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इश्यूअर टू द फाइनेंस स्कीम, मतलब उनको कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा या प्रीमियम इनकम मिलेगा वो स्पेसिफाई करते हैं. स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस टू बी अंडरटेकन बाई द इंश्योरर इन द रूरल. अब देखो पूरी अब इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसमें से 5-6 पॉइंट्स भी अगर आप याद रखते हो दैट इज मोर देन इनफ. तो हमने बात की IRDA की, फिर आता है उसमें रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोटेक्टर्स. इंश्योरेंस प्रोटेक्टर्स को रेगुलेट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट. पॉलिसी होल्डर्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को भी ये क्या करता है, इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे RBI प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जैसे सेबी प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, वैसे ही अवेयरनेस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस स्कीम्स को, जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम्स को प्रमोट भी करता है और अवेयरनेस भी फैलाता है कि भाई सही है, पैसा मिल जाएगा. इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर्स हैज ग्रोन लीप एंड बाउंड्स ड्यू टू द कनेक्टेड एफर्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी, और उसके इंश्योरेंस मार्केट्स के डेवलपमेंट में भी ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है. डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाए, जैसे कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स. द डेवलपमेंट ULIPs इज द रिजल्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस. ULIPs मतलब उसमें पैसा लगा सकते हो म्यूचुअल फंड्स की जैसा रहता है, मतलब पार्ट पार्ट में पैसा लगा सकते हो उसमें. तो ULIPs भी प्राइवेटाइजेशन हुआ इंश्योरेंस सेक्टर्स का, उसके बाद जनरेट हुआ कंपटीशन इन इंश्योरेंस सेक्टर्स को भी वो मैनेज करता है. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज मेड इंश्योरेंस अ पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जबकि सबसे कम रिटर्न देता है, फिर भी इन्होंने पॉपुलर बना के रखा हुआ. आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA हैज मेक इट शो दैट द, बट इट्स रिस्क फ्री है, यू शुड गिव क्रेडिट टू दिस कि ये रिस्क फ्री है.
मतलब लोगों को ट्रस्ट है कि भाई मैं इंश्योरेंस कराऊंगा तो पैसा मिलेगा ही. सो दैट इज व्हाट दे हैव बिल्ड. बट सिक्योरिटीज मार्केट्स आर नॉट दैट, यू कैन से नॉट दैट मच सेफ. बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, insurance sector is now giving securities against any kind of uncertainty or risk, so that insurance sector has now become a popular medium of saving and investment and is gradually diverting the flow of funds from the banks and post office to the insurance. ये बहुत ही popular mode of fund को generate करने के लिए basically banks को भी ये टक्कर दे रहा है. bank और post office की जगह लोग यहाँ पे पैसा जमा करते हैं. individual lives Insurance Regulatory and Development Authority has helped in developing an understanding of the insurance by putting across a great impression over the life of the common man of the society. Individual life में भी बहुत ही help किया है. मतलब insurance अगर आपका है so you have a great benefit. It can be medical benefit, medical insurance, through medical insurance, life insurance. Stock market, private players in the insurance have developed unit linked insurance plans in order to attract the more customers. ULIP is a byproduct of the modern insurance product market. Therefore, insurance products have made it simple for the companies to raise funds and have also attracted various section of the society to invest in the stock market directly. पहले क्या होता, Life Insurance Corporation of India LICI था पहले. अब लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनीज आ गई, तो इसे प्राइवेटाइजेशन हो गया. बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं इंश्योरेंस मार्केट में पैसा लगाने का, जैसे कि ULIP म्यूचुअल फंड्स की तरह, जैसे आप उसमें भी पैसा लगा सकते हो. दैट विल बी कवर्ड एज एन अंडर इंश्योरेंस. फिर आता है इंडियन इकोनॉमी. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज एन इम्पैक्ट ओवर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द countries because money invested by the investor or individual in various types of the investment products has channelized the funds of the country for non-economic activities to economic activity has made available. यानी economic growth में भी बहुत बड़ा impact पड़ता है. बहुत सारे पैसे insurance companies के पास आते हैं. वो पैसे उसको क्या करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, जिसको ज़रूरत रहेगी उनको देंगे, जिससे economic development आएगा. फिर बात करेंगे अपने PFRDA के बारे में, फिर National Pension Scheme के बारे में. फिर क्या बचा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो में बात करें या फिर अभी बात करें. उसके पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही. हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. अगले वीडियो में हम लोग इसके रेगुलेटरीज में क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ. हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने सेबी पढ़ लिया, रेगुलेटर्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट में. सेबी इज बीन कंप्लीटेड, आरबीआई इज बीन कंप्लीटेड, आईआरडी कंप्लीटेड. नाउ वी हैव लेफ्ट विद द पीएफ आरडी आरडीए एंड रेरा. ये दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको करेंगे अपने अगले वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो. और बस वो होगा आखिरी वीडियो इस चैप्टर का, फिर अगले चैप्टर में मूव करेंगे. तो बस आप मेरे साथ रिपीट करिए, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल. हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है.